मंगलवार को नगर निगम में होने वाली जनसुनवाई में एक पीड़ित महिला अपने घर की मांग को लेकर पहुंची। पीड़िता ने 2019 में मकान लिया था और उसे आज तक मकान नहीं मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत महिला ने इंदौर के सतपुड़ा परिसर में एक घर बैंक से लोन लेकर खरीदा था, लेकिन अभी तक वह फ्लैट नगर निगम ने कंप्लीट नहीं कराया है। इसके कारण महिला 2019 से लेकर अभी तक भटक रही है। महिला का कहना है कि 2019 में लोन लेकर सतपुड़ा परिसर में फ्लैट लिया था, जिसकी किश्त लगातार भर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे उसका घर नहीं मिल रहा। अभी महिला किराए के घर में रह रही है और उसका 8000 रुपए किराया भी भर रही है। महिला ने बताया कि मैं गंभीर बीमारी से ग्रसित हूँ और एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ खाने पर मजबूर हूँ। नगर निगम में काफी बार आ चुकी हूँ, लेकिन हर बार आश्वासन ही दिया जा रहा है। वहीं निगम आयुक्त का कहना है कि महिला अपनी समस्या लेकर आई है, हम कोशिश कर रहे हैं कि महिला की मदद कर सके। वहीं सतपुड़ा परिसर के लिए एजेंसी नियुक्त की गई थी, वह कार्य नहीं कर पाई है, जिसके कारण यह देरी हुई है। हमारा सतपुड़ा परिसर में 2019 में एक फ्लैट बुक कराया था मैंने लोन लेके, और 2019 से लोन की किश्तें भी भर रही हूँ मैं। नगर निगम के पास पूरा पैसा जमा है और किराया भी भर रही हूँ, और गंभीर बीमारी से पीड़ित हूँ। हर महीने 10000 रुपये महीने की दवाएं आती है, ये दवाएं खाती हूँ, और ये भी दवाएं भी मदद से मिलती है मुझे, और ये लोग मुझे फ्लैट दे नहीं रहे हैं। मैं आज जनसुनवाई में आई थी कि या तो मुझे मेरा फ्लैट जल्दी से बना कर दिया जाए, और जब तक नहीं दे रहे तब अस्थायी कुछ भी मुझे फर्स्ट फ्लोर पर रहवास दिया जाए, पर ये लोग उसमें हमेशा, अभी पिछली जनसुनवाई में भी टाल दिया था, और अभी भी बोल रहे हैं कि ठीक है देखते हैं। कितने पैसे आपने भरे थे 2019 में और अभी तक? 2019 में मैंने 2.5 लाख रुपए कुछ इनके पास जमा करे थे। किश्त भर रहे हो आप? जी हाँ, किश्त भी चल रही, होम लोन की भी। क्या बोल रहे हैं फ्लैट देने के नाम पे? हर बार वो बोलते हैं टेंडर निकाले हैं, नए टेंडर निकाले हैं, 2 महीने में हम कंप्लीट करके दे देंगे, ऐसा। तो वो 2019 से आज 2024 हो गया। कितनी समय अवधि इनने बोली थी कि आपको? हर बार सर जब भी आते हैं ना, छह मिलने का वाला था, कौन से साल में मिलने वाला? वो उन्होंने 2019 में बुक किया था, 2-3 महीने बाद बोला था दे देंगे, और आज तक नहीं मिला। आज तक नहीं मिला, 5 साल हो गए। सतपुड़ा परिसर फर्स्ट फ्लोर है 19 ब्लॉक में। किराए से रहते हैं? हाँ, मैं किराए से रहती हूँ, ये मेरा एग्रीमेंट है किराए का। ये कैसे सब किराया और किस्त कैसे दे पाते हैं? बहुत मुश्किल है, सिलाई करती हूँ मैं। और अभी क्या बोले कमिश्नर, क्या बोले? बोले कर रहे हैं आपकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। एक्चुअली सतपुड़ा परिसर में जो एजेंसी कार्य कर रही थी, वो उनका चूंकि वो कार्य नहीं कर पाए, हमने पुनः टेंडर उसमें किया है, और हमारा प्रयास है कि हम उस लोग को समय सीमा में नियमानुसार कार्रवाई करके हम उसका कार्य पूर्ण कराएं, और चूंकि एजेंसी कार्य नहीं कर पाई, पूर्व की एजेंसी, इस कारण से ये लंबित हो गए, इस कारण ये समस्याएं आ रही हैं, लेकिन उनका हम लोग निराकरण करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और जैसी नई एजेंसी आएगी हम लोग कार्य इसका पूर्ण कराएंगे। हम लोग देखते हैं क्या संभव हो, संभवतः जो भी संभव होगा नियमानुसार हम उनकी मदद करेंगे। वो निर्माण उस समय नहीं हो पाए, कारण जो भी कारण रहे होंगे, इसी विलंब के कारण ही हमने उस एजेंसी को बदल के नई एजेंसी लगाई है, अब वो नई एजेंसी काम करना शुरू करेगी। हमारा ये प्रयास है कि जो भी फ्लैट होल्डर जिन्होंने आवंटन कराए हैं, अपने अपने फ्लैट का जो आवंटन हुआ है, उनको हम समय पर दे पाएँ, बट इस पर्टिकुलर केस में ये हुआ कि वो एजेंसी काम नहीं कर पाई समय पर, जिस कारण ये स्थिति बनी है, लेकिन हम उनको जो भी हर संभव मदद होगी वो करेंगे। दूसरी जगह रहने की भी बात करी, हम एक बार हम उन सब चीज़ों का एक्सप्लोर कर रहे हैं, कोशिश यही रहेगी कि ऐसा ना हो कि एक समस्या समाधान करने के चक्कर में दूसरी समस्या बन जाए, तो लेकिन हम लोग उनके जो संभव मदद होगी वो करेंगे। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट।